तो ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं द लेजेंड ऑफ सॉर्ड इमॉर्टल का न्यू एपिसोड एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। जिसके पहले के एपिसोड में आप लोग को याद होगा कि हुआ क्या था। तो वहाँ का जो एक ओल्ड मैन था वो बोल रहा था कि तुम्हारे पास इलाइटमेंट फ्रूट है। तो बात सुनकर जो फैंक था वो बोलता है कि लगता है कि आपको भी इस इलाइटमेंट फ्रूट में इंटरेस्ट है। बात सुनकर वो ओल्ड मैन बोल रहा था कि जो इलाइटमेंट फ्रूट है वो किसी भी बंदे को एक लेवल अप होने में मदद करता है। तो आखिर में किसी को भी इसमें इंटरेस्ट क्यों नहीं होगा। तो तभी फैंक बोल रहा था कि देखिए, मैं यह बात क्लियर करना चाहता हूँ कि जब मैं जो सीक्रेट रियल में था तो उस समय एक बार प्रिंसेस ने मेरा जान बचाया था। और उन्होंने यह भी कहा था कि उनके जो फादर है उनको यह इलाइटमेंट फ्रूट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं यहाँ पर अपने दोस्त यानी के प्रिंसेस का बात कैसे निभा नहीं सकता हूँ। सुनकर वो एम्परर बोल रहा था कि हमें तो यह चीज पता ही नहीं था। और फिर वो जो उस ओल्ड मैन को बोलता है कि देखिए, यहाँ पर जो बच्चे लोग का यह मन है तो मैं इसके बारे में कैसे ना कर सकता हूँ, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है। तो वो ओल्ड मैन बोल रहा था कि आप हमेशा सही होते हैं, आप कभी भी गलत नहीं हो सकते हैं। तो तभी वो एम्परर फैंग आपको बोल रहा था कि देखो, तुम मुझे वो इलेक्ट्रिक फूड दे सकते हो और तुम इसके बदले जो कुछ भी चाहो तुम मांग सकते हो। तो फैंग आप बोल रहा था कि मैं तो यहाँ पर बस जो प्रिंसेस ने मेरा मदद किया था उसका फेवर रिटर्न करने के लिए आया हुआ था, लेकिन अब जब आपने कुछ पूछ ही लिया है तो मैं चाहता हूँ कि आप जो मुझे कुछ मैजिकल हर्ब्स दे दें। तभी उस बोल रहा था कि देखिए फादर, फ्रूट ऑफ इलाइटमेंट है वो बहुत ज़्यादा रेयर है, तो आखिर में कॉमन मैजिकल हर्ब इसके लिए कैसे काबिल हो सकते हैं। तो आपको इसको कोई रेयर हर्ब देना पड़ेगा। अब मुझे पता है कि आप उतने भी कमीने नहीं है, सॉरी कमीना नहीं बोलता है, मतलब ख़त्म बोलता है। तो सियाह उसको शांत करते हुए बोल रहे ठीक है, तुम चिंता ना करो, जो फादर है वो इसका सही बोली लगाएंगे। उस बोल रहा था कि हम लोग के पास बहुत ज़्यादा ट्रेजर है, और वैसे भी जो मैं और जो फैंग हाव हैं हम लोग दोनों बहुत ज़्यादा अच्छे दोस्त हैं, तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है। तो एम्परर बोल रहा था कि ठीक है मैं फैंग हाव तुमको एक चांस देता हूँ। तो चांस सुनकर फैंग हाव हैरान था। तो एम्परर बता रहा था कि देखो, मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ कि तुम जो हमारे सीक्रेट रियलम में एंटर करो और तुम्हें वहाँ पर जो है एम्परर टाव का सक्सेसर बनने का चांस भी मिल सकता है। तो यह बात सुनकर हम देखते हैं कि लियू जी हुआंग को इस पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसका बात काटते हुए उस एम्परर का तारीफ करने लगता है, जहाँ पर जी हुआंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। जहाँ पर वो ओल्ड मैन बता रहा था कि जो एम्परर थे पहले वाले वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, तो अगर तुम्हें उसका टाव मिल जाता है, उसका सक्सेसरशिप मिल जाता है, तो तुम वाकई में बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाओगे। तो ऐसा बात सुनकर फैंग सोच रहा था कि अगर वो पावरफुल बन जाता है तो उसके फादर के ऊपर जो गद्दार का टैग लगा हुआ है वो उसको हटा सकता है, और फिर वो उसके लिए तैयार हो गया था। तभी जी हुआंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन जो उसोंग था और सियाओ थी वो पूरा रिलैक्स हो रखे थे। तो तभी हमारा सीन चेंज होता है, जहाँ पर हमें एक बाथरूम का सीन दिखाया जाता है, और तभी हम वहाँ पर एक प्रिंसेस या फिर क्यून या फिर पता नहीं ये कौन है, लेकिन बोल सकते इसका रेपुटेशन वाकई में हाई होगा जाओ डायनेस्टी में। तभी वो वहाँ पर स्नान करने लगती है अपना वस्त्र खोल कर, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो अपना स्नान कर रही थी। तभी वो बोलती कि आखिर में क्या न्यूज़ है। तो वहाँ पर एक सर्वेंट बोल रही थी कि जो एम्परर है उन्होंने फैंग हाव को याद दिया कि वो जो फॉरबिडन एरिया में एंटर कर सकता है और जो एम्परर का जो टाव है उसको हासिल कर सकता है। यह बात सुनकर लड़की खड़ी हो जाती है और बोल रही है क्या सही में एम्परर ने यह आदेश दे दिया है। तो उसकी सर्वेंट बोलती है कि हाँ, और यहाँ पर यह एक क्यून है ठीक है। तभी वो बोल रही थी कि जाकर तुम जी हुआंग को बुला के लाओ, मुझे उससे कुछ बात करना है। अभी तभी हमारा सीन चेंज होता है, जहाँ पर फैंग हाव का सीन देखते हैं जो कि वहाँ पर कल्टिवेशन कर रहा था। लेकिन तभी जब वो कल्टिवेशन कर रहा था तभी वहाँ का जो माहौल था वो चेंज होने लगता है। तो देखकर जो फैंग का था वो क्रिएशन आई की मदद से वहाँ पर चेक करता है, जहाँ पर उसको पता चलता है कि वहाँ पर एक फॉर्मेशन से डेमोनिक एनर्जी चारों तरफ फैल रहा है, जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा हैरान होते हुए बाहर आता है। और वो सोच रहा था कि क्या यहाँ पर डेमोनिक एनर्जी कैसे आ गया, क्या यहाँ पर डीमंस आ रहे हैं। और यहाँ पर एक फॉर्मेशन क्रिएट हो रखा था जहाँ पर अचानक से बहुत ज़्यादा लड़कियों का क्लोन अपीयर होने लगता है, जो कि फैंग आपको सेड्यूस करने का कोशिश कर रहे थे। और फिर वो वहाँ उसके चारों तरफ घूमने लगते हैं, जहाँ पर फैंग उन सब से बच के भाग नहीं पाता है। तभी हम वहाँ पर एक फॉक्स का सीन देखते हैं और इसी ने यहाँ पर यह सब चीज़ किया था। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर और ज़्यादा जो क्लोन्स थे वो जो फैंग के रूम में आते हैं, और हमें पता चलता है कि जो बाहर था फैंग वो उसका एक क्लोन था, असली फैंग अंदर में था। जहाँ पर वो लड़की वो क्लोन वहाँ पर फैंग को भी कंट्रोल करके उसको वहाँ पर से बाहर लेके आ जाते हैं उस फॉर्मेशन में। लेकिन तभी अचानक से वो क्लोन जो वहाँ पर से गायब होकर उस फैंग पर अटैक करती है, लेकिन वहाँ पर
अचानक से एक बैरियर क्रिएट हो गया था जिससे फैंगाओ बच गया था और वो होश में भी आ जाता है। तो मेरे ख्याल से यह चीज़ सिस्टर बाई ने किया होगा। तभी हम देखते हैं कि जो वहाँ पर वो नाइन टेल फॉक्स को पता चल जाता है कि उसका फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो बोल रही थी कि आखिर में तुम्हारा हिम्मत भी कैसे हुआ, लेकिन तभी वहाँ पर एक और डीमन आ गया था जिसका नाम मैंग था, जो कि फैंगाओ को देखते हुए बोल रहा था कि एक बच्चा, इसको तो मैं अपना एक अटैक से ही मार सकता हूँ, और फिर वो उस पर अटैक करने के लिए चला जाता है। लेकिन तभी जो फैंगाओ था वो वहाँ पर शॉर्ट पपिल की मदद से उसका अटैक को रोक कर उसको पीछे धकेल देता है, जहाँ पर जब उसका पावर फैंगाओ देखता है तो बोल रहा था कि यह तो सुप्रीम इमोर्टल लेवल का बंदा है, तो मैं इसको चाह कर भी नहीं हरा सकता हूँ, और यह उस यून सेन से भी ज़्यादा पावरफुल है। तो तभी वो सॉल्ट पपेट और उस डीमन मैंग के बीच में फाइट शुरू हो गया था, जहाँ पर मैंग यहाँ पर उतना ज़्यादा भी अपर हैंड गेन नहीं कर पा रहा था उस सॉल्ट पपेट के पावर के कारण, जहाँ पर उसको गुस्सा आ रहा था। और वो साथ ही साथ फैंगाओ पर भी अटैक करता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जब वो अपर हैंड गेन नहीं कर पाता है तो फिर वो अपना दो क्लोन फॉर्म करके उन पर अटैक करता है। लेकिन जो सॉल्ट पपेट था वो एक एक करके पहले क्लोन को मारता है, फिर दूसरी बार उस दूसरे क्लोन को मार देता है। तो देख कर वो मैंग उस पर गुस्सा होते हुए अटैक करने लगता है, तो उसका अटैक आता देख वो सॉल्ट पपेट वहाँ पर खड़ा हो रखा था और फिर अपने तलवार से उसका अटैक रोक देता है। लेकिन उसको भी इसका अटैक रोकने में दिक्कत हो रहा था, तो वो अचानक से थंडर से उसको वहाँ पर स्टन करके पीछे धकेल देता है। तो फैंगा उस सॉल्ट पपेट की मदद से उस पर अटैक करने के लिए भेज देता है, लेकिन उस सॉल्ट पपेट का अटैक लगने से पहले ही उस मैंग ने वहाँ पर अपना गोल्डन आर्मर को अपेयर कर लिया था और उसका हाथ पकड़ते हुए बोल रहा था कि अब मैं देखता हूँ कि तुम कहाँ भागते हो, और उसको वहाँ पर डिस्ट्रॉय करने लगता है। लेकिन तभी फैंगाओ अपना एक एनर्जी वहाँ पर उस पपेट के अंदर डाल देता है, जिससे वो पपेट उसको दूर धकेल लेता है उस डीमन को। तो तभी हम फैंगाओ का सीन देखते हैं, जो कि बोल रहा था उस डीमन का पावर देख कर कि लास्ट टाइम जब मैंने इससे फाइट किया था तो उस समय से भी इन लोग ज़्यादा पावरफुल है, मेरे ख्याल से इन लोग टॉप डीमन रेस में आता होगा। तभी वो बोल रहा था कि मैं ज़्यादा समय तक सॉर्ट पपेट को कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ, उसका एक टाइम लिमिटेड है, तो मुझे जल्द से जल्द इस फॉर्मेशन को ब्रेक करना पड़ेगा। और फिर वो क्रिएशन आई की मदद से वहाँ पर उस फॉर्मेशन को एनालाइज करने लगता है, और फिर तभी कुछ देर बाद उसको पता चलता है कि इस फॉर्मेशन का जो मेन कोर है वो एक तीन आंख वाले फॉक्स है। तो तभी वो फैंगाओ बोल रहा था कि मुझे पता नहीं कि आखिर में डीमन रेस को यहाँ पर चाहिए तो क्या चाहिए, लेकिन चिंता की कोई बात ना, मैं तुम्हें यहाँ पर पकड़ के या पूछताछ कंफर्म कर लूँगा। और फिर वो अपने सॉर्ड पपेट में और ज़्यादा अपना पावर डालने लगता है, जहाँ पर उसका सॉर्ड पपेट और ज़्यादा पावरफुल हो के उस तीन आंख वाली फॉक्स पर अटैक करने के लिए चला जाता है। तो देख कर वो फॉक्स वहाँ पर डर गई थी, लेकिन तभी जो मैंग था यानी कि वो डीमन वो सही समय पर आके उस सॉर्ड पपेट को हटा के अपने फॉक्स को बचा लेता है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।